तुम ना मिले ला <laughs> ला 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 सारा सरप्राइज खराब हो गया लोगों लो सरप्राइज देने वाले कि गैस करो कौन है हमारे साथ अच्छा आपने <laughs> आज तक बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बायोपिक्स देखी होंगी आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड बायोपिक्स देखी होंगी पॉलिटिक्स पर बनी बायोपिक्स देखी होंगी क्राइम पर बनी बायोपिक्स देखी होंगी अब एक ऐसी बायोपिक आने वाली है जो हो सकता है आपको किचन में जाने के लिए मोटिवेट करे या फिर कुक करने के लिए इंस्पायर करे ये सम टॉकिंग अबाउट तरला जो कि जी फाइव पर सेवेंथ जुलाई को रिलीज होने वाली है और टीम हमारे साथ है इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन सी कौन सी चीजों में तड़का लगाना सीखा है

यू hmm. नो uh, you know, इतने आइकॉनिक एग्जैक्टली uh, exactly. के ऊपर बायोपिक बनाना मैं मुझे लगता है कि अब तक क्यों नहीं हुआ था ये राइट right. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये बन रही है और हम उसका हिस्सा हैं अच्छा रुमा कि ऑब्वियसली सरला तरला दलाल पर ये मूवी है और आपने बहुत सारी कुकिंग करी होगी तो आपने क्या क्या नई चीज़ें बनाना सीखी या कौन से कौन से नए कुकिंग लेसन आपको मिले मूवी में कौन कौन से बनाए हमने बटाटा मसलम और रखड़ा पैटिस। और गोभी 65। 65। 65। में इसकी रेसिपी बेसिकली <laughs> जो फिल्म है डॉक्यूमेंट्री है कि गोभी जब से पैदा होती है तब से लेकर जब वो आप खाते हो <laughs>

ठीक अगर आप दोनों को अपनी कोई एक पर्सनल फेवरेट होममेड चीज कुक करनी है तो आप क्या बनाएंगे चीज ठीक है आपका सॉर्टेड है आप क्या बनाएंगे चीज चीज के साथ तो क्योंकि बनाना नहीं है कौन सी एक चीज कोई अच्छा, कौन सी जो आप होममेड कुक कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं ऐसा तो मैं कुछ नहीं मैं बीवी का भेजा बीवी का भेजा <laughs> बनाता <laughs> ही है इनकी वाइफ बहुत स्वीट है बहुत अच्छी लेडी है मगर वो बहुत परेशान हाँ, है इनको वो मैं जैसी बात करना शुरू करता हूं तो चुप रहे ही कॉल्स हर बेगम ही ही कॉल्स हिम यू आर गम गम मैं उनकी लाइफ का गम हूं और वो मेरी बेगम है <laughs> वो आपकी बेगम है और आप उनकी लाइफ का गम है हां ओके

Uh, <laughs> तो मैं बस एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा था कि मैंने ना ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जो कि मतलब हम सब ने हैं जो कि फ़िक्शनल स्टोरीज़ पर होती हैं और मुझे लगता है कि बायोपिक्स के मुकाबले फ़िक्शनल स्टोरीज़ पर काम करना इज़ प्रटी इजी क्योंकि लोगों की कोई सेट एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं बट तरला जी इज़ अ पर्सन जिनको ऑलरेडी लोग बहुत टाइम से जानते हैं जिनकी uh, मैं इंटरनेट पर पढ़ रहा था कि उन्होंने कुछ हंड्रेड बुक्स लिखी हैं कुकिंग पर एंड शी हैज सोल्ड ओवर वन मिलियन कॉपीज़

तो इस फिल्म में मुझे काम भी करना था और खाना भी खाना था और उसके पैसे भी मिल रहे थे तो मतलब मेरे लिए तो पूरी तरह से विन विन सिचुएशन था और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था हुमा के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला और मैं बहुत मतलब इतनी बढ़िया को एक्टर है ना ये मतलब इन्होंने you know, कई बार मतलब वेंट आउट ऑफ ह वे टू यू नो कि अगर यहाँ पर ये शारिब को इस तरीके से करना है तो बोला ठीक है वैसे करते हैं ये ये नहीं सोचनी कि यार हर सीन में मैं ही हूँ और हुँ. मैं ही करूँगी और शी वर्क ऑन द फिल्म फॉर द फिल्म और वो क्या कहते हैं <laughs> सब कुछ थैंक यू थैंक यू मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मैंने ट्रेलर में अभी देखा कि बारह साल हो गए मुझे

घर से बाहर गई जो उनको उसके था खाना बनाया <coughs> अपनी बुक छापी अपना शो किया इनको मतलब इतना काम किया उन्होंने उनको पद्मश्री दिया गया right. तो आई फील एंड शीज ओनली फीमेल शेफ जिनको hmm. ये खिताब मिला है तो आई फील लाइक आई होप ये स्टोरी देख के और लोग भी यू you नो know, uh, इंस्पायर होंगे और जहाँ पे वो हैं जो वो कर रहे हैं उसमें अपने उस कुछ को ढूंढने की कोशिश करेंगे वेरी नाइस हर मूवी में कोई ना कोई मेमोरेबल मोमेंट होता है जो हम लोगों का फेवरेट होता है वट इज़ योर फेवरेट मोमेंट इन दिस मूवी मतलब बोथ ऑफ यू ऑफ ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन मतलब जो भी आपको अच्छा लगे आई थिंक वन डे वी वर शूटिंग इट वाज लेट एट नाइट एंड शारिब वाज इन अ ग्रेट मूड एंड यू नो वी ऑल वर सिंगिंग एंड लाइक हैविंग जस्ट अ लॉट ऑफ फन सो आई थिंक दैट वाज अ जनरल माहौल ऑन सेट आई थिंक बहुत प्यार से परफॉर्मेंस दिया था एक सबके लिए अच्छा करेक्ट किदस किशोर कुमार जी very well आशा थोड़ा करके हमें भी करके दिखाइए थोड़ा मैं हाँ ढींललनाई 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 सी ready एकदम convince भी नहीं करना पड़ेगा वो चाबी वाला खिलौना जैसे चाबी दो और मैं शुरू हो जाता कर 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 ढींललनाई 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 मेरे भुले बलम ओ मेरे प्यारे बलम मैं मेरा जीवन तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल ना हो कि जिसमें तेल ना हो आई थिंक नेक्स्ट बार पिक बात है ये दुण है शारिद भाष्मी का ऑडिशन और किशोर कुमार बायोपिक आदित्य हाँ। सर आप पर्सनली घर पे कुक करते हैं अपनी वाइफ को हेल्प करते हैं कुकिंग करने में कुक ना कहो नहीं करते <laughs> कुक भी ना <laughs> करो <laughs> अभी क्या में खाना में है बस वही हैं <laughs> अच्छा आ, हर एक मूवी से कुछ ना कुछ टेकबैक होता है लोग कुछ लेके जाते हैं इस मूवी से लोग घर क्या लेके जाएंगे

ह्यूमन uh, एम्बिशन की एक uh, लड़की की uh, एक लेडी की कहानी की hmm. उसके हस्बैंड के कंट्रीब्यूशन uh, की ये uh, खाने के थ्रू कैसे अचीव किया गया उसकी कहानी है वेरी नाइस जैसे ना ज़्यादातर मूवीज़ में जो हम लोग देखते हैं कि सब चीज़ों का तड़का होता है एक्शन भी होता है और उनके अंदर बहुत सारे रोमांटिक सीन्स भी होते हैं आजकल बड़ा ज़्यादा सी और इस सब का भी ट्रेंड चल रहा है तो आई थिंक ये मूवी बिल्कुल

नहीं 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 था मैंने मैंने एक्चुअली काश ऐसा होता ट्रिक से पतले भी हो सकते <laughs> आई थिंक इसकी शूटिंग जस्ट तो yes. जो हेल्दियर पोर्शन जैसे आपने hmm. बोला या जो ओल्डर पोर्शन है वो hmm. पहले Achha. और बाद में, weight, so Achha, ऐसी सेम स्टोरी वो दंगल में भी, हमने ने भी ऐसे किया था क्या नाम लिया सर आपने बधाई आपको बिल्कुल और पीयूष हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने लिखी है अच्छा hmm. अब एक बड़ा बेसिक सवाल कि व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मूवी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कि आपने बहुत मेहनत करी है नहीं नहीं तो वही हमेशा जब आदमी मेहनत करता है और हम हमेशा hmm. कोशिश करते हैं कि जो भी काम करें उसमें पूरा दिलो जान से मतलब उसको अंजाम दें और इस फिल्म के साथ भी हमने वही किया है और हम चाहते हैं कि लोग hmm. ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग देखें Correct. और उसे पसंद करें और अगर उन्हें अच्छी लगती है तो वो उसे उस वर्ड को स्प्रेड करें आप सुलटरी आई थिंक सात जुलाई को फिल्म आ रही है बहुत प्यार से बनाई है बहुत अमेजिंग लोग हैं जो बिहाइंड द सीस भी काम करें ऑफकोर्स हम लोग एक्टर्स हैं तो हम कैमरा के सामने रहते हैं बट प्यूष हमारे डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है बट जैसे अभी शारब ने कहा मैंने कहा कि चिचोरे दंगल ऑल दीज फिल्म इज़ वर्ट वेरी क्लोजी विद नतीश सर एंड नितीश सर ऑफकॉर्स इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स अलॉन्ग विद अश्वनी मैम विद आर एस वी पी विथ जी

मुझे hmm. बटर चिकन पसंद है भूना गोश्त पसंद है गोभी गोश्त पसंद है और कड़ी पकोड़े पसंद है okay. और पाव पाव भाजी पसंद है, वड़ा पाव पसंद है है वड़ा गुलाब जामुन पसंद है मुझे रबड़ी बहुत मैं आती अच्छा तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शॉर्ट रखेंगे और बहुत ही टेस्टी इंटरव्यू था अगर आपको इंटरव्यू अच्छा हो और तरला जी की कुकिंग देखनी हो और इन दोनों की अमेजिंग परफॉर्मेंस देखनी हो तो सेवेंथ जुलाई को जी ये तो बोल दीजिए एक बार वापस से ये तो जरूर देखना <laughs> <laughs> ये तो जरूर देखना ओके थैंक यू गाइस